मूवीज मूवीज हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। मूवीज हम सब देखते हैं, किसी को हॉरर मूवीज पसंद है, किसी को कॉमेडी मूवीज, किसी को एक्शन मूवीज, तो किसी को रोमांटिक मूवीज। लेकिन कुछ मूवीज ऐसे भी होती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, और अगर आप उनको देखें तो बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो सकती है, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो सकती है। और आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि टॉप 5 ऐसी मूवीज़ जो आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में सिखाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मैं अपना परिचय दे दूँ तो मैं हूँ शुभम सिंह, आप देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो में 5वें नंबर पर है MS धोनी मूवी। यह मूवी हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी में बनी हुई है, और इस मूवी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इस मूवी का मेन मोटिव मैं आपको बता दूँ तो इस मूवी का मेन मोटिव यही है कि अगर आप कहीं से भी हो, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं कि मैं तो एक छोटी सी जगह से हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन इस मूवी में यही दिखाया गया, क्योंकि धोनी जी जो थे वो रांची से थे, और रांची एक छोटी शहर थी पहले, अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। भले उनकी TT में जॉब लग चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने वो सेटल नहीं हुआ वहाँ पर। उनको और भी बड़ा सपना उनका था और आगे उनको और बढ़ना था, जिसकी वजह से उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत की। और आप आखिर में देख सकते हो कितने बड़े कप्तान और कितने बड़े हस्ती बन गए पूरी दुनिया में, और आज हम सब उनको जानते हैं। MS धोनी मूवी के बाद 4th नंबर पे जिस मूवी को हम लोग रेट कर रहे हैं वो है द इन्विक्टस। जो मूवी है वो नेल्सन मंडेला के ऊपर बनी हुई है, जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे, और इनके ऊपर ये मूवी बनी है क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम के उस मूवी में कोच रहते हैं। और जिस प्रकार से आज क्रिकेट में आप देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम है, पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन जीतते नहीं, और आजकल तो क्वालिफाई भी नहीं करते, तो उसी प्रकार की टीम साउथ अफ्रीका भी थी। पोटेंशियल बहुत था लेकिन वो जीतते नहीं थे, लेकिन जब नेल्सन मंडेला ने उनको कोच किया तो उस मूवी में दिखाया गया कि वो टीम जीतती है विश्व कप, और बहुत ही मान सम्मान बढ़ता है पूरे उनके देश में रग्बी गेम का, और काफ़ी क्रेज भी बढ़ जाता है। जिस प्रकार से आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा कि महात्मा गांधी भी उनसे इंस्पायर हुए थे, तो ये मूवी बहुत कुछ सिखाती है आपको लाइफ के बारे में और नेल्सन मंडेला के कैरेक्टर के बारे में। हमारे इस फेयरलेस में जो 3rd नंबर में मूवी आती है उसका नाम है द फाउंडर। रे क्रॉक की लाइफ के ऊपर मूवी बनी हुई है। उस मूवी में आपको दिखाया गया है कि कैसे लेट 50s में भी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 20s में आपने कुछ नहीं किया, 30s में कुछ नहीं किया, तो आपकी एज बीत चुकी है, लेकिन उस मूवी में वही दिखाया गया है कि 50 की उम्र के बाद वो मैकडोनल्ड को शुरू करते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कि मैकडोनल्ड का कितना क्रेज़ है पूरी दुनिया में। मैकडोनल्ड के पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड के बर्गर्स कितने फेमस है पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। और उन्होंने ये बिज़नेस जो स्टार्ट किया था वो एक छोटे से दुकान से स्टार्ट किया था, उसके बाद आप देख सकते कितने ऊपर वो चले गए। और ये जो उन्होंने काम किया था वो 50 की एज के बाद किया था, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसा सोचा जाता है कि 50 के बाद तो आप कुछ नहीं कर रहे, रिटायरमेंट लो और आराम करो, लेकिन उन्होंने उल्टा काम किया। 50 के बाद ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और इतने फेमस बिजनेस को उन्होंने स्थापित किया। नंबर 2 पर जो मूवी आती है उसका नाम है स्वदेश। स्वदेश एक ऐसी मूवी है जो इसमें एक्टिंग जिसने की है शाहरुख खान, बहुत ही फेमस एक्टर हैं सब जानते हैं उनको, और शाहरुख खान की इस मूवी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हम अपने देश में खुद सोचते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसा देश है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और ये मूवी कम शायद 2002 में बनी थी, और 2002 में बनी थी उस टाइम भारत के अलग ही क्या बोल सकते परेशानियाँ थी देश में, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी। और शाहरुख खान उस मूवी में मोहन का एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो नासा में एक साइंटिस्ट होते हैं, और नासा के साइंटिस्ट वो भारत आते हैं घूमने के लिए, लेकिन भारत की जो परेशानियां देख के वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग रहते हैं, और जिससे वो नासा के लास्ट में जॉब छोड़ देते हैं, और उनके माइंड में आता है कि हाँ अपने देश के लिए मैं कुछ करूँ। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि लोग जो सोचते हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता ये वो, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस मूवी से कि अगर आप में काबिलियत है तो अपने देश में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं आप। नंबर वन पर मूवी आती है फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप एक ऐसी मूवी है जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगी, लेकिन फॉरेस्ट गंप अगर आप मूवी पूरी देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि ऑल टाइम बेस्ट मूवी, क्योंकि ये ऑल टाइम बेस्ट मूवी है। किसी भी अगर आप बड़े एक्टर या फिर किसी भी जिसको मूवी की समझ है उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हाँ फॉरेस्ट गंप दुनिया की नंबर वन मूवी है, और बहुत ही अच्छी एथिक्स और सीख उसमें देखने को मिलती है। इस फॉरेस्ट गंप का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे रोल्स इस मूवी में करता है, और गेम्स भी बहुत सारे खेलता है, जैसे कि रग्बी खेलता है, पिंग पोंग जो अमेरिका का बहुत ही फेमस गेम है वो खेलता है, और उसको खेल खेल के वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। जैसे हमारे देश में विराट कोहली बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी है क्रिकेट के, वैसे वो भी बन जाता है। उसके बाद वो वियतनाम में युद्ध भी लड़ने जाता है, तो इस गेम में आपको मल्टीपल टास्क करते हुए दिख जाएंगे फॉरेस्ट गंप और उनका कैरेक्टर। और
एक छोटे बच्चे के नैरेटिव से एक पूरी दुनिया को भी दिखाया जाता है, और लास्ट में वो एक रेस भी दौड़ते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं रेस नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और नैरेटिव पूरे चेंज होते रहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी मेरी बातें भी और शायद ये मूवी भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार ये मूवी आप पूरी देखें। अगर आप पूरी देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी बोलेंगे कि हाँ ये है ऑल टाइम बेस्ट मूवी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।